तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और राज्य सरकार को खुली चुनौती दे दी है, अगर सरकार में हिम्मत है तो वो मानसून से पहले चुनाव करा ले और हम चुनाव के लिए तैयार है। उद्धव ने ये भी कहा कि शिव सैनिकों ने जिन्हें चुना वह गद्दार शिवसेना छोड़कर चले गए, लेकिन चुनकर देने वाले हाथ अभी तक हमारे साथ है। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने रविवार को जलगांव के पाचोरा में एक अति विराट जनसभा को संबोधित किया और उद्धव ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला किया है। साथ ही बीजेपी को टारगेट करते हुए उद्धव ने यह भी कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने क्या चुनौती है, और मैं उनसे यही कहता हूं कि मोदी शाह की सरकार मेरे देश को जो नुकसान पहुंचा रही है वही असली चुनौती है और मैं चुनौती देता रहूंगा। अगर हिम्मत है तो बीजेपी शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़कर दिखाए। साथ ही उद्धव ने यह भी कहा कि तुम मोदी की फोटो और हमारा चुराया चुनाव चिन्ह धनुष बाण लेकर चुनाव में उतरो और मैं केवल मेरे नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे और हमारे नए चुनाव चिन्ह मसाल के सहारे चुनाव में उतरूंगा। देखते हैं जनता किसको चुनती है।